नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। मुंगेशपुर दिल्ली 39 में स्थित मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल ने 6 दिसंबर को अपनी सिल्वर जुबली मनाई। खेल के क्षेत्र में मदर खजानी स्कूल ने बच्चों की प्रतिभाओं को पहचाना है और खेल के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। स्कूल की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ओलंपिक चैंपियन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त रेसलर योगेश्वर दत्त उपस्थित रहे। साथ ही रिटायर्ड कमांडेंट अशोक कुमार डागर, रिटायर्ड एडिशनल डीसीपी जगमिंदर सिंह, सुभाष पहलवान, भारत केसरी कृष्ण कुमार, नेशनल चैंपियन रेसलर मेहताब, इंडियन आइडल रनर अप मोहित चोपड़ा और बॉलीवुड सेलिब्रिटी सार्थक चौधरी और सनी चौहान जैसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। डेली डायरी न्यूज से बात करते हुए ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने बताया कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेल से जुड़ना चाहिए। खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। योगेश्वर दत्त ने मदर खजानी स्कूल द्वारा बच्चों के खेल की दिशा में दिए जाने वाले प्रोत्साहन को भी सराहा है। सर, मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इसको मदर खजानी स्कूल में पहले भी आया था और अब भी आया हूँ मैं। यहाँ पे जो इसके डायरेक्टर हैं स्वरूप सिंह जी पहलवान है, और मैं बचपन से उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं। उसके बाद स्कूल चलाते हैं, यहाँ पे ऐसे भी कबड्डी की भी नेशनल में गोल्ड जीता कबड्डी टीम ने भी, और एक बच्चा हॉकी में भी गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जिन स्कूल हर स्कूल में खेलों के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उनको सुविधा होनी चाहिए जिससे ज्यादा खिलाड़ी निकले, और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल रहे हैं। स्कूल के फाउंडर चेयरमैन चौधरी स्वरूप सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन चौधरी स्वरूप सिंह ने मीडिया से बात की और बताया कि स्टूडेंट्स के जीवन में खेल का क्या महत्व है, साथ ही साथ खेल के साथ पढ़ाई को कैसे जारी रखा जा सकता है। चौधरी स्वरूप सिंह ने ये भी बताया कि मदर खजानी स्कूल के विद्यार्थी कई खेल प्रतिस्पर्धाओं में विदेशों में भी प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं खुद इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रहा जी, तो मुझे पता है कि हाउ टू टैकल ऑल दिस थिंग, सच टाइप ऑफ हैपेंस इन। सर, आप खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी जो चीफ गेस्ट हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो किस तरीके से आगे स्पोर्ट्स में भारत का? देखो, अभी हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट जस्ट नाउ थर्ड क्लास से, जब तक स्कूल का एजुकेशन खेल के साथ चेंज नहीं होगा, मैंने डागर साहब को बोला है कि थर्ड क्लास ऑनवर्ड लाइक यू टू द वेस्टर्न कंट्रीज, थर्ड में आप 5 गेम इकट्ठे कर दें, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, कुश्ती, जूडो, कराटे, तो वो थर्ड से फिफ्थ क्लास तक बच्चा अपना चूज कर लेगा। जब वो अंडर 14 में जाएगा, लाइकली टू पीयर वाइज, जैसे मैथ का, इंग्लिश का पीयर लगता है अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, कोरिया में, वो ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में जो अभाव था, आज मैट अवेलेबल होने लग गए, मिलने लग गए, लोगों को अब इसमें इंटरेस्ट आया है। तो जब तक स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ पीयर वाइज उसको नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। फिफ्थ क्लास में बच्चा चूज कर लेगा कि मुझे किस गेम में जाना है, जस्ट कि फिफ्थ क्लास में जो बच्चे को ये हो जाएगा, तो अंडर 14, अंडर 17, जब वो अंडर 19 पास आउट होगा, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक कि वो 100% पार्टिसिपेट द इंडिया टीम, इंडियन टीम को तय करेगा। आपका स्कूल खेलों में किस तरीके से लगातार योगदान दे रहा है? देखो, जॉन से लेकर के स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल, आपने अभी देखा कि आज दिल्ली में नंबर 1, और प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि इसको डिक्लेयर एज ए स्पोर्ट्स स्कूल, ये 16 एकड़ में स्कूल है, पीछे आपने सारा देखा होगा, आगे देखा होगा। तो जब तक शिक्षा के साथ, पुराने हमारे बोलते थे हेल्दी माइंड में हेल्दी बॉडी, तो सच्चाई है, जब स्वस्थ होंगे तो तभी जा करके अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छी मेमोरी होगी।